कोरोना के फैलाव में इजाफा होने लगा। मोजी वायरस की शरह 4.3 तक जा पहुंची। एक मरीज जाँ बहक, 120 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 216 नए मरीज रिपोर्ट। सेक्रेटरी सेहत सारा असलम कहती हैं, वैक्सीन कोरोना की नई किस्म के खिलाफ मौसर इलाज है। अवाम हिफाजती तदाबीर अपना कर खुद को महफूज बनाए। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी। बिरूने मुल्क जाने वाले अफराद के लिए मोडर्ना वैक्सीन दस्तियाब। एक्सपो सेंटर में शहरियों की बड़ी तादाद में आमद जारी। मजमूई तौर पर 9000 से ज़ायद ओवरसीज पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल की जा चुकी। ईद कुर्बान की आमद, वक्त का मुकाबला सख्त। हर किसी को कम कीमत में तगड़े जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगी। बकरे, छतरे, डुम्बे और ऊंट दस्तियाब। व्यापारियों ने भी दाम बढ़ा दिए, मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। कुर्बानी के जानवरों की खातिर तवासो मुख्तलिफ जगहों पर चारे की दुकानें सज गईं। दुकानदार ने चारे की कीमतें बढ़ा दी। 150 रुपए वाला चारे का थैला 300 रुपए का हो गया। जंतर, चने का छिलका और गंदम का दलिया फी किलो 30 रुपए महंगा। शहरी कहते हैं कि जानवरों को संभालने के लिए मजबूरन चारा खरीदने पड़ेगा। इंतजामिया चारे के भी निरखनामे मुकर्रर करवाए। ईद करीब आते ही मुनाफा खोरों ने छुरियां तेज कर ली। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी पर भी सवाल उठने लगे। सरकारी रेटिस में 10 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। प्याज 47, टमाटर 37, लहसुन 192, अदरक 470 रुपए फी किलो फरोख। सस्ता हुआ ब्रायलर भी महंगाई की जद में आ गया। मुर्गी गोश्त 9 रुपए फी किलो महंगा हो गया। मार्केट में चिकन 231 रुपए फी किलो फरोख। कोरोना स्पेशल अलाउंस दिया जाए। जनरल अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। अस्पताल में काम बंद करके धरना दिए रखा। ओपीडी में काम बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेरोजगार हूँ, नौकरी दी जाए। शहरी चार बच्चों और बीवी को लेकर वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर पहुँच गया। शहरी तारिक के बच्चे एहतजाजन सड़क पर लेट गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुलाकात का मुतालिबा। ओपोजिशन का बयानिया, अवाम दुश्मनी पर मबनी है। इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर का आइंदा सदर और वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ से होगा। मसला कश्मीर के हल तक खिते में अमन एक ख्वाब रहेगा। अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब की पार्टी रुकन रजा हयात हराज से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत आप पाक अथॉरिटी का इजलास। साफ पानी कंपनी की गाड़ियां अथॉरिटी को मुंतकिल न होने पर तशवीश का इजहार। राजा बशारत बोले, गाड़ियां ज़ाय होने की जिम्मेदारी इंतजामी महकमा पर होगी। जहाज और ट्रेन के मुसाफिरों की मुश्किलात में कमी ना आई। लाहौर एयरपोर्ट पर 21 परवाजें मनसूख कर दी गईं। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली 13 ट्रेनें भी ताखीर का शिकार हो गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। नौजवान कौम के मेमार, तालीम रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद। नीट टेस्ट की तैयारी करवाने वाले इदारे स्टेप के तलबा ने फिर मैदान मार लिया। ई कैट के नतज में पहली तीनों पोजिशन स्टेप के तलबा के नाम। टाउनशिप के मोहम्मद हाशिर 400 में से 365 नंबर लेकर पहले नंबर पर, मुशतबा उमर की 348 नंबर लेकर दूसरी और उमैर अहमद की 345 नंबर लेकर तीसरी पोजिशन। शहर में
में बादलों का राज बरकरार, गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी आ गई। पारा ज्यादा से ज्यादा 34 तक जाएगा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल तक शहर में मौजूद रहेगा। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना।